अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा सफ़र शुरू होने वाला है और हम आपको अपने गांव के खूबसूरती दिखाएंगे, तो चलिए हमारे साथ। सामान इस पे बांधने के और हमारे साथ हमारा दो कजन है, वो पैदल आएगा, वो पैदल चढ़ेगा और हम इस पे सामान चढ़ाएगा। और जगह बहुत दूर है, वो इंशाल्लाह उसको देखने के लिए आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए। अच्छा, तो ये एक पहला चश्मा आता है पे, लोग जब थक जाता है तो पानी पीता है और अपने आप को ठंडा करता है, क्योंकि बंदा बहुत गर्म हो जाता है, जल्दी जल्दी आता है। ये रास्ता बहुत उगद है, तकरीबन घंटा हमारा हुआ है इधर तक आने को। अभी हमारा रास्ता जो पहला स्टॉप पे बोलो उसको हम पहुंचने वाले हैं, तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता बचा है। और ये इतना सारा सफर हमने किया, बहुत थक गए, सांस फूल रहा है बहुत ज्यादा और पानी पी के आपसे बात करता है। ये बस अभी हम अपने मंजिल के करीब पहुंचे, थोड़ा सा रास्ता बाकी है, तकरीबन घंटा लगेगा इधर से। और रास्ते में अभी ठंड है तो थोड़ा देर बैठेंगे और अपने लिए आग जलाएंगे इधर पे। ये थोड़ा सा लकड़ी लेके आए जंगल से इकट्ठा किया, बस इस पे से हाथ वाथ गर्म करके फिर इधर से चलेंगे। तो देखते रहिए, हाँ देखते रहे हम अपना गाँव। वो आपको हमारा कैमरामैन दिखाएगा, हमारा दोस्त लोग उधर बैठा है, वो आग जल रहा है, उसी के पास हमारा दोस्त, वो उसने टार्च भी हमको मारी है। और हम अभी पहुंचे हैं उसके पास, तो खाना वगैरह पका रहे हैं, ठीक है, वो तैयार होगा। हमको बहुत भूख लगा है, तकरीबन 4 घंटे से पैदल आ रहे हैं और अब हम उबर जाएगा। साथ ही सब लोग बैठ के चंदा रोटी खा के
फिर इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, आग को दोबारा ज्यादा तेज करेंगे, ये अभी थोड़ा थोड़ा बहुत चल रहा है। अच्छा तो नाजरीन, सारा रात बैठ के, सारा रात आग जला के, इतना लकड़ी जलाया, इतना लकड़ी जलाया जितना हम उजरे में ना 15-20 दिनों में जलाते, वो एक रात में इधर जंगल में जलाया। अभी तक बैठे हुए, सुबह हो गई है, चाय वाय नहीं पिए, लेकिन वो नीचे जाके जो है ना घर पियेंगे। ये दोस्त लोग इधर ही है और ये इधर बैठ के जो है ना चाय वाय पी के फिर सामान इकट्ठा करके फिर नीचे आएंगे। ठीक है, और जुम्मे का दिन है और तकरीबन 10:30 बज रहा है, तो अभी थोड़ा आराम करेगा क्योंकि थक बहुत गए हैं, फिर नमाज के लिए भी तैयार श्यार होना है, तो उठेंगे भी जल्दी। बहुत ख़राब दिन है क्योंकि सारा रात जो है ना बैठे रहे आग के सामने और नींद बिल्कुल नहीं किया।